गाइज नमस्ते, आप देख रहे हो टेकोरिका, मैं हूँ देव। और क्या हाल है, सब कुछ ठीक ठाक? अच्छा, तो बेसिकली इस वीडियो में हम करेंगे इसी लिनोवो HE05 ब्लूटूथ नेकबैंड की एक अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू, और मैं आपको बताऊंगा इसकी जो साउंड क्वालिटी मेरे को पर्सनली कैसा लगा। हालांकि मैंने इसको बहुत दिन पहले से ही बाई करके रखा था चाइना से। जी हाँ, कोरोना पहले से ही, मैं बता रहा हूँ, कोरोना के बाद नहीं। यहाँ पर मैं इसकी एक गिव अवे रख रहा हूँ दोस्तों, आप में से कोई एक लकी विनर इसको जीत सकते हो। हालांकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हम इसको भेज देंगे जो भी विनर रहेंगे, आउट। गाइज प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये मैंडेटरी है अगर आप चाहते हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और हाँ गाइज प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीटली देखें, आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसी ब्लूटूथ ईयरफोन के बारे में। और हाँ, कुछ और स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा, मैं आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में कहीं पर भी। तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर कंप्लीट देखें। बहुत सारे बातें कर ली, अभी सीधी चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं भाई इस लिनोवो ब्लूटूथ ईयरफोन में आपको कैसे साउंड क्वालिटी मिलती है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ पैकेजिंग दैट यू आर गोना गेट। गाइज इसकी प्राइस की बात करते हो तो समथिंग 700 और 800 लाइक दैट, आप इसको चाहो तो अमेजोन से बाई कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। गाइज टॉकिंग अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा है, बट ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो रबरी मटेरियल मिलती है आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी मिल जाती है, आप इसको यूज करना आपके जो फिटिंग के हिसाब से। ये कुछ इसी तरह स्ट्रेच होता है, आपको दिखाता हूँ, ये है आपका जो लिनोवो ब्रांडिंग। भैया ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, अगर आप फीमेल हो तो इसको गडर की तरह भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ये वॉल्यूम कीज मिलती है, पावर बटन मिलती है। गाइज वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। इसकी जो वेयर क्वालिटी मेरे को उतना सही नहीं लगा, ये अगर ब्रेडेड वेयर होता तो और अच्छा रहता। ये जो ईयर टब्स है ये भी मेटालिक है और ये मैग्नेटिक भी है। अभी बात करते हैं डायरेक्टली इसकी जो साउंड क्वालिटी पर्सनली मेरे को कैसा लगा। अभी मैंने इसमें बहुत सारे बातें किया, बहुत सारे कॉल्स अटेंड किया, म्यूजिक भी बहुत सारा सुना, मुझे ठीक लगा, उतना ख़राब नहीं है। बेस भी बहुत अच्छा है, बस थोड़ा दिक्कत है जहाँ पर मेरे को लगा ट्रेबल और यहाँ पर जो हाइज है ये थोड़ा और बेहतर हो सकता था, बट इस प्राइस रेंज में आपको जो भी म्यूजिक क्वालिटी मिलती है ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, उतना ख़राब नहीं है। बाकी रही बात इसको अगर आप जीतना चाहते हो गिव अवे में, तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और नीचे कमेंट करिए वीडियो के नीचे, कुछ भी आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, बट एक ही कमेंट करिए, दो दो कमेंट ना करें। और इंस्टाग्राम में मेरे को पक्का फॉलो कर लेना क्योंकि वहीं पर ही रिजल्ट्स आता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इट नाउ फॉर द मोमेंट, दिस इज देव साइनिंग ऑफ, टेक केयर, सी यू सून।